हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24x7 जॉब इंफॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप सी सिविलियन के द्वारा, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड द्वारा यहाँ पर जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपको जो एड्रेस दे दिया आपको, कॉमन हॉस्पिटल चंडी मंदिर यहाँ पर पिन कोड दे दिया आपको। 45 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं आपको, यहाँ पर बस पोस्ट है आपका जो वार्ड सहायिका, यहाँ पर टोटल आपको 6 पोस्ट है। यहाँ पर पे लेवल आपको यहाँ पर 1 दिया गया है यहाँ पर, और क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना है, और डिजरेबल आपको एक्सपीरियंस सिविल हॉस्पिटल आपको डिजरेबल यहाँ पर है। आपको एक्सपीरियंस हो भी तभी अच्छा, नहीं हो भी तभी अच्छा, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको मैट्रिकुलेशन आपको पास आउट आपको होना है। उसके बाद आपका जो वार्ड सही का जो 77 गुरदासपुर है, यहाँ पर 4 है आपका जो वार्ड सही का आर्मी हॉस्पिटल, यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर भी टोटल आपका 5 यहाँ पर वैकेंसी है टोटल। उसके बाद वार्ड सही का दिल्ली, उसके बाद आपको चंडी मंडी, उसके बाद आपका अम्बाला, उसके बाद आपका अमृतसर, उसके बाद देख सकते हैं आपका जलंधर, यहाँ पर टोटल आपका वैकेंसी है। यहाँ पर आप पोस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं, और खास बात आपका जो यहाँ पर एज लिमिट है 18 से 25 साल के बीच में आपका एज लिमिट यहाँ पर होना है। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो वाटसाई का इमेज ऑयल, यहाँ पर जितने भी सैंपल पटियाला यहाँ पर उन्होंने सब दे दिया। उसके बाद आपका जो हेल्थ इंस्पेक्टर पटियाला, सीओ पटियाला, यहाँ पर आपका 2 वैकेंसी है। यहाँ पर आपको पे स्केल 4 आपको सैलरी आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो हेल्थ इंस्पेक्टर गुरदासपुर, दिल्ली, यहाँ पर तो पठानकोट, यहाँ पर देखे तो आपको पे लेवल आपको 4 ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना होगा, और उससे आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर को आपको सर्टिफिकेट, कोई भी आपको रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट आपको होना होगा, ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट आपको 18 से 27 ईयर्स बीच में आपको एज लिमिट आपको होना है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आपको जितनी भी पोस्ट है, टोटल आपको यहाँ पर 70 वैकेंसी यहाँ पर आपको जारी किया है गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको SC/ST के द्वारा, OBC द्वारा आपका यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आपको 45 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपका डेट आपका कब क्लोज हो जाएगा, आपको आपका किसी भी तरह आपका पोस्टल आपको डिले हो जाएगा तो डिपार्टमेंट का कोई आपको दाई नहीं है, डिपार्टमेंट का कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अरे यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दे दिया जो भी इंफॉर्मेशन अधिक सकते आपको यहाँ पर है, और सेल्फ टेस्ट करके आपको पोस्टल ऑर्डर आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको देना होगा। वो तो कमांडेंट हॉस्पिटल चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा, इस पिन कोड को आपको भेजना होगा। उससे आपका 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटो आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट, जो भी यहाँ पर काउंट है उस जगह के, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आपका और भी आपका जो इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सब सबको सेल्फ अटेस्ट करके आपको देखना होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपका जो इंडियन पासपोर्ट, आपका परमानेंट रेसिडेंटशिप, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आपको इसी आपको क्वालिफिकेशन और आपको जो एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा, और सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ करके आपको देना होगा, ठीक है। और जो पोस्टल फॉर्म होगा उस फॉर्म में आपको लिखना होगा द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑन टॉप इन बोथ द कैटेगरी एंड द कैपिटल लेटर, आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। और चलिए देखा, खास बात आपको तो फॉर्म अप्लाई आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको हैंड राइटिंग के द्वारा आपको लिखना होगा, और ज़्यादा ज़्यादा नोटिफिकेशन आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं आपको क्या क्या यहाँ पर दिया है। और जिन लोगों ने दूर रहता है, जिन लोगों ने आपको एक्स्ट्रा उनको 7 दिन मिलेगा, जैसे आपका लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, कश्मीर, लाहौल, हिमाचल प्रदेश, उन लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा उनको 7 डेज उनको मिलेगा, क्योंकि वो ना बहुत दूर है यहाँ पर, ठीक है। इसमें उनका 7 ही उनको सिर्फ इन्हीं स्टेट को आप देख सकते हैं, सिर्फ इन्हीं स्टेट को आपको 7 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा बाकी स्टेट को भी। और यहाँ पर आपको रिटर्न एग्जाम देख सकते हैं, आपको पहला का पेपर वन आपको जनरल इंटरनल रीजनिंग, के बाद आपका जनरल अवेयरनेस, आपका जनरल इंग्लिश, आपका न्यूमेरिकल, 4 सब्जेक्ट आपको MCQ में होगा। टोटल आपका 2 घंटे आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और एज फ्लेक्सिबल आप देख सकते हैं, ST/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का यहाँ पर जारी किया है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को हैंडराइटिंग द्वारा फिल करके आपको पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होगा उस एड्रेस में, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं इस फॉर्म को फिल करके आपको देना होगा, ठीक है। PDF और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। उस चैनल में जरूर ज्वाइन कर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जॉब रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। चलिए मैं अब चलता हूँ, थैंक यू।